एटा और हाथरस दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, मॉडल प्राथमिक विद्यालय का किया निरीक्षण, साथ ही स्कूली बच्चों को पाठ्य पुस्तक और स्कूल बैग का किया वितरण। सीएम योगी ने बागला संयुक्त जिला चिकित्सालय हाथरस का भी किया निरीक्षण, विभिन्न लाभार्थी परियोजनाओं के प्रमाण पत्रों प्राइस साइकिल का किया वितरण। उन्नाव में साक्षी महाराज ने दिया बड़ा बयान, कहा शरीयत के बारे में, भारत एक लोकतांत्रिक देश जो भारत के संविधान से चलता है, जिन लोगों को शरीयत की जरूरत है वो जा सकते हैं पाकिस्तान। बांदा जिले में पानी की समस्या, कई मोहल्लों में महीनों से नहीं मिल रहा पानी, गुस्साए लोगों ने किया रोड जाम, पुलिस मौके पर। लखनऊ में कुशवाहा महासभा, संत कवि नगर में लाइनमैन की लापरवाही से गए युवक की जान, परिजन ने शव रखकर किया चक्का जाम, पुलिस से कार्रवाई की मांग। लखनऊ में कुशवाहा महासभा संगठन की प्रेस वार्ता, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति कुशवाहा और प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुशवाहा सहित तमाम कार्यकर्ता पीसी में रहे मौजूद। फैजाबाद पुलिस ने किया खुलासा, क्लिनिक से लाखों की चोरी करने का मामला, पुलिस ने क्लिनिक के पूर्व कर्मचारी समेत एक अन्य आरोपी को किया गिरफ्तार, चोरी की दवा भी बरामद। मुजफ्फरनगर में नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार, आरोपी ने छात्रा को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर किया था रेप, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपनी मांग को लेकर लोहे के पुल पर किया चक्का जाम, टोल टैक्स लिए जाने का विरोध। और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती लखनऊ में कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर मनाई गई, जयंती कांग्रेस के तमाम नेता रहे मौजूद।